आज इस शाम आप देख रहे हैं कि हम भट्टे में मौजूद हैं और इसमें जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं, यहाँ से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपनी नस्लों को पालते हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, खुश हो? हाँ ठीक है। तो कोई मसला तंगी तो नहीं, परेशानी तो नहीं? नहीं परेशानी नहीं, कोई नहीं। कितना मुश्किल काम है, काफी टफ है, ते कोले लेके जांदे हो? हां जी काफी ज्यादा। कितनी देर लग जांदी है तुहानू ये काम निपटांदे? किन्ने घंटे लग जांदे? 2 घंटे 1.5 घंटा लग जांदा। किस तरह वो क्रश हो रहा है पहले, फिर इत्थे आएगा, की करदे हो इन्नू? फिर बर्न इत्थे पीया है, इत्थे इत्थे पीते फिर उन्नू उत्थे उत्थे सिलेंडर हो रहा है, वो तो फिर उतल जाना। ते इन्नू किथे जाके फिर अंदर जाके बाल दे, पट्टियां च देंदे हो? हां जी उत्थे टप्पां जा रहे हैं। हर महकमा लैदा लैदा है, ये जो है ना ये सिर्फ भराई करते हैं, ऊपर टप रखे हुए उनमें भरते हैं, ये सिर्फ भरते हैं, ऊपर जो लगाने वाले हैं कोयला जलाने वाले वो टीम होती है, और जो बनाने वाली है क्रशर करने वाली वो टीम है, हर काम की लैदा लैदा टीम है, ये सिर्फ भरते हैं ऊपर। सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है जी। खैरियत है? ठीक। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से ये चाचा काम करते हैं, कोयलों के साथ काम करना, मजदूरी करना, और आपके ये हाथ पैर सलामत नहीं फिर रहते, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कितना मुश्किल काम है ये। और जो लोग एसी के कमरों में बैठ के कहते हैं ना फ़ोन पे कि हम मजदूरी कर रहे हैं, भाई उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मजदूरी ये होती है, एसी कमरों में बैठ के रिस्पेक्टेड तरीके से काम ज़रूर हो सकता है, मजदूरी उसे नहीं कहा जा सकता। ये आप मजदूरी देखें, ये आप चचा के पैर भी अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल काम है। जिन मजबूत इमारतों में आप रहते हैं, जिन मजबूत इमारतों में रहकर आप फख्र करते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं, वो इमारतों की ईंटें बनाने में इस चचा का सबसे बड़ा क्लीदी किरदार है। आज की शाम इन सब मजदूरों के नाम जिनके हाथ काले हो चुके हैं इस कोयले की वजह से, और जो इस कालक में अपना मुकद्दर ढूंढ रहे हैं और इस स्याही में अपनी किस्मत और समत का तयन करने के लिए मसरूफ़ हैं, आज की शाम इन सारे भट्टा मज़दूरों के नाम, वो आप दिखा सकता हूँ मैं आपको कि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये क्रश किया जा रहा है कोयले को, कोयला क्रशिंग हो रही है। ये कोयला जब क्रश होता है तो इसको फिर अगले प्रोसीजर में डालकर तो भट्टियों तक पहुँचाया जाता है, जो बाद में फिर ईंटों को सख्त करने के काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? सेहत कैसी है? अल्लाह की रहमत है। तो कितने घंटे चाचा काम करते हैं? कुछ नहीं, सब वेले रहने, सामने तो कभी पूछे ही नहीं उन्हें, जनाब रहने कोई का कोई काम नहीं होता, 2-3 घंटे लगे उन्होंने कोई काम। ये भी आप देख सकते हैं मेरे चाचा के हाथ, हाथ का फिर ये काला हो जाता है, काम काला है जी। मजदूरी बड़ी मुश्किल है ये वाली, कोई नहीं मुश्किल वाली, वो आप देख सकते हैं मेरे मुल्क के वो बच्चे सारे जो यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा अगर पॉसिबल है जी, कि हम वापस जाके इनसे बात कर सकें। और इन बच्चों को आप रोकिए, भी ऊपर भी मजदूर हैं जी काफ़ी, वो देखें जी बच्चे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल, लाहौर का मुस्तकबिल, आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे, ये सूरत हाल है यहाँ की। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा प्रोसीजर है जी? यहाँ पे फीडिंग हो रही है, यहाँ ये क्या है जी? जलाई का सिस्टम है, यहाँ पे कोयला बर्न करते हैं फिर ईंटे पकती हैं। ये बर्निंग हो रही है? अब बर्निंग हो रही है यहाँ पे जी, यहाँ पे फायर करते हैं, ये बर्न करते हैं, कोयला इसमें डालते हैं तो ये जलता रहता है। ये भट्टियाँ लगी हुई हैं? ये भट्टियाँ लगी हुई हैं। और इनमें ईंटें कहाँ ऊपर दबी हैं आपने? नीचे सारी ईंटें हैं, आगे जो देखी हुई हैं जहाँ पे आप फिर रहे थे, ये सारी आगे ईंटें हैं, ये सारी ईंटें जी, सारी ईंटें हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो पूरा ईंधन है ना यहाँ जी? पूरा ईंधन है यहाँ पे। और यहाँ जिनकी ड्यूटी है वो बड़ा सख्त होगी जी? वो असल में ऐसा ना कि ये एक बंदा काम करता है, 15 मिनट बाद एक बैठ जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। इन्होंने लकड़ी के पहने हैं शूज? हाँ लकड़ी के शूज पहने थे। और कोई SOP में नहीं है कोई हिफाजत इनके लिए, कोई बेहतरी आ सके? ये ओपन एयर है काम सारा हमारा, बिजनेस जितना भी ये देखे बाहर जमीनों में ईंटें कच्ची पड़ी हुई है, ऐसे ओपन ही पड़ी हुई है, यहाँ भी ये भी ओपन ही है और इसका कोई हाल नहीं है हमारे पास। अब हम इन शूज के साथ कहाँ तक जा सकते हैं? चले हैं इस तरफ से, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, बड़ी अहम बात है जी। ये आगे आगे ये आप देखें, लकड़ी के शूज़ उन्होंने पहने हैं, कोई बात नहीं आगे। वो देख सकते हैं आप, लकड़ी के शूज़ पहने हैं, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा तपश है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? ठीक है जी। इधर इतनी ज़्यादा तपश में काम करते हैं आप खड़े होकर? करते हैं। कितने घंटे करना पड़ता है ये काम? 6 घंटे ड्यूटी होती है इसी तरह जी, भट्टी के ऊपर खड़े होकर जी। तो यहाँ तो ये तो 15-20 मिनट तक इधर काम करते हैं, फिर बाहर चले, 3 आदमी हैं हम,
ये जून जुलाई में क्या बनता होगा आपका? यहाँ तो अभी थोड़ा मौसम बेहतर है। छः आदमी है ना हम, तो तीन आदमी एक छः घंटे में आते हैं, तीन एक छः घंटे में। ये जूते यही पहने जाते हैं जी? और कोई चीज़ पहनने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये सही रहते हैं। वो जलने से बचने के लिए बचत रहती है इन जूतों से जी? बड़ा टफ काम है जी ये सारा, आप देख सकते हैं बड़ा मुश्किल है जी। जितनी ये लोग, ये क्या है जी? ये आप दिखाएं जरा, करीब आए कैमरामैन अगर शॉट ले सकें ये वाला। तो ये ईंधन की सूरत हाल है, इस कदर ये आपको देख सकते हैं कि इतनी कितनी शिद्दत यहाँ होगी। मेरे कैमरामैन इसे दोबारा अगर दिखा सकें तो आपको पता चले हमारे व्यूअर्स को कि आपके मकानों के लिए ये मजदूर जो हैं, उन मजबूत मकानों के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं। और ये मेहनत से इसको, आपको कितनी गर्मी इधर लगती है बेटा? गर्मी वो जो जब गर्मी होती है ना उस वक्त गर्मी लगती है, और सर्दी में कुछ भी नहीं होता। सर्दी में बचत रहती है? सर्दी में बचत रहती है। और कितनी देर ये भट्टी चलती है इस तरह, और कितनी देर खड़ा होना पड़ता है अगर आप खड़े हो तो? चलता ही रहता है, बंद नहीं होता। तो इधर किसी ना किसी की ड्यूटी तो होती होगी? ड्यूटी हमारी होती है, 6-12 घंटे होती है ड्यूटी, 6 घंटे दिन का और 6 घंटे रात की होती है। इसका मतलब है कि ये इस भट्टी में खड़े खड़े 6 घंटे तो खड़ा होना पड़ता है? नहीं नहीं, एक आदमी चलता है, एक आदमी काम करता है, दूसरे जो 5 होते हैं वो बैठे होते हैं। वो एक बंदा कितने घंटे काम करता है इधर? 1 घंटा काम करता है 2 घंटे काम करता है, 6 घंटे बाकी बैठ जाते हैं। फिर बाकी बैठ जाते घंटा घंटा शफल करते हैं, घंटा घंटा करते हैं, घंटा घंटा नहीं होता ये असल में ना। ये 6 बंदों ने 24 घंटे काम करना है, 6-6 घंटों की ड्यूटी होती है इनकी। 6 घंटे में एक बंदा जो है 10-15 मिनट काम करता है, फिर वो बैठ जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है। उन पे मतलब 2 बंदे होते हैं, 6 घंटे वो काम करते हैं, फिर 6 घंटे दूसरा नए बंदे आ जाते हैं वो काम करते हैं। और वो 10-15 मिनट एक बंदा काम करता है बैठ जाता है, फिर वो 15 मिनट रेस्ट करता है, दूसरा बंदा काम करता है, फिर वो बैठ जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। ये जितनी आपको चिमनियाँ नज़र आ रही हैं ये आप देख सकते हैं, ये सारी के नीचे इसके जल रहा है, आग जल रही है, ईंधन जल रहा है। आप किसी को भी खोल के दिखाएं हमारे कैमरामैन को, आपको व्यूअर्स को ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि जिस जगह हम मौजूद हैं ये यहाँ की सूरत हाल है एग्जैक्टली। और इस कदर इधर आग है, इस कदर यहाँ हीट है। 1000 सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसका, 1000 सेंटीग्रेड होता है फर्नेस का टेम्परेचर, ब्रिक किलन। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा 1100 तक होता है, 1000 से लेकर 1100 तक इसका टेम्परेचर रखना पड़ता है इतना। बड़ा टफ है जो लोग इधर खड़े होकर काम करते हैं जी? बहुत मुश्किल तो है इसमें, वेरी टफ। हाँ जी, सबसे ज़्यादा टफ मजदूरी है जी ये भट्टे की जो मजदूरी है। आइए मेरे साथ। और ये आपने क्या डाला जी अंदर, किस तरह डालते हैं ये कोयला? देखें जी ईंधन के तौर पर, ये दिखाएं ज़रा जी हमें। ये ईंधन के तौर पर कोयला इसमें डाला जाता है, बाकियों में भी डालेंगे आप? सब में डालूंगा। बड़ा टफ है जी यहाँ खड़े होना इवन एट। और इसकी वजह से आपको साथ ये भी बताएं कि यहाँ पर जितने भी मजदूर काम करते हैं वो इन 1100 सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ज़मीन और आसमान के टेम्परेचर का फ़र्क है। ये अब जिस जगह हम खड़े हैं ये नॉर्मल ज़मीन है, और वो सारी की सारी भट्टी लगी हुई है, और आपने देखा 1100 सेंटीग्रेड पे ये मज़दूर हमारे जो हैं वो आपको काम करते दिखाई देते हैं। और साथ आपको ये भी बताएं कि बड़ी टफ मज़दूरी है, और सबसे बढ़कर ये बहुत मुश्किल है कि ये विजन जो है शर्मिंदा ताबीर हो सके कि सारे भट्टों पर इसी तरह की फिज़ा जो है आपको मिल सके, और सारे भट्टों पर इसी तरह का वाइड धुआं जो है वो आपको मिल सके। ये विजन अभी हमसे कोसों दूर है, ये विजन हमसे 9800 भट्टा दूर है, इतनी दूर है ये विजन। और इस विजन के दूर होने की वजह से अभी हम करीब में कुर्बो जवार में कुछ और भट्टों का विज़िट भी आपको करवाते हैं जहाँ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी नहीं लगी, इंस्टॉल नहीं हुई। उसकी क्या वजूहत हैं, कौन करवाएगा, कब करवाएगा, कैसे होंगी, कितना टाइम लगेगा, एसोसिएशन क्या कहती है, कब तक ये सिलसिला और ये सारा खेल चलता रहेगा, आंख मचोली का सिलसिला जो है जारी और सारी रहेगा, ये वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप हमारे साथ रहिए।